अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मनसे के सर्वसर्वा राजजी ठाकरे, इनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाने की सोची गई थी, लेकिन आने वाले बाढ़ और इन पीड़ितों को देखते हुए, इस माहौल को देखकर जो ऑक्सीजन की कमी है, इस बात को देखते हुए यहाँ के मनसे के कुछ पदाधिकारियों ने ताड़करस में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यहाँ के सरपंच और वहाँ के ग्राम पंचायत के अधिकारी, उसी के साथ साथ वहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक और पुलिस प्रशासन मौजूद थे। उनके हाजिरी में ये कार्यक्रम पौधारोपण लिया गया और ये बताया गया कि पौधारोपण करना आज की ज़रूरत है। और आज प्रशासन ने ये भी अवगत कराया है कि जो ऑक्सीजन की कमी है, ये ऑक्सीजन की कमी सिर्फ हमारे झाड़े लगाने, पौधा लगाने के बाद ही कम हो सकती है। इसलिए जिस तरह हर घर के सामने हर व्यक्ति एक झाड़ लगाए, ऐसा आह्वान किया गया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बस्तान पे हुई समस्याओं को लेकर हमारे साथ यहाँ पे चौकसी विभाग के पवार साहब हमारे से जुड़े हुए हैं। इतनी रात का आने की वजह यह मामला है कि यहाँ का जो सीसीटीवी कैमरे के जो मामले है, इस पर कोई नियंत्रक नहीं है, यहाँ का कोई अधिकारी उस पर नियोज नहीं है, जो है चौकसी विभाग से ही जो है तो इसका संपर्क लगा हुआ है, लेकिन एक आदमी क्या क्या देखेगा, ये सवाल उठा है। उसी के साथ साथ यहाँ के जो रास्ते है, इसके बारे में हमारे साथ चौकसी विभाग के पवार साहब क्या कहना चाहते हैं, जानिए। तो सीसीटीवी कैमरे लावलेले आहेत, पण ते आपल्याला चालवता येत नाहीत मला। हाँ, आणि सध्या हाँ बंद असते, नाही चालू आहे सीसीटीवी, मग ते ऑपरेट करता येत नाही मला। मग याला तो बघणार कोण? दिवसा साहेबच असतात। अच्छा, हां, ते किती वाजेपर्यंत असतात? ते सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6-7 वाजता। म्हणजे आपल्या सीसीटीवी कॅमेऱ्याच्या विभागामध्ये असतात? हो, असतात असतात। आणि आता म्हणजे आता हे आपले जे रस्ते आहेत, आता जे बांधकाम मागे चाललं, यामुळे आपल्याला काय म्हणजे याची काय त्रास, म्हणजे जनतेला सर्व प्रवाशाला त्रास व्हायला नाही, चिखल झाला आहे। हा, याच्यात म्हणजे आता हे गुत्तेदाराकडून दिरंगाई व्हायली का? त्याने मुरुम टाकलेला आहे, पण पाणी आलं की नाल्याचं पाणी परत इकडे येतो, आणि त्याच्यात नाल्यातला गाळ इकडे येतो, आणि पुन्हा गाड्याला ह्याला त्रास होतो, पायी जायला, बसला, मोटरसायकलसुद्धा जाऊ शकत नाही। आपलं डेपोमध्ये माझं लक्ष्मण ज्ञानदेव पवार, येथे लक्ष्मण नामदेव पवार जो चौकशी विभाग पे अभी तैनात है, इनका ड्यूटी पर यहाँ पर एक ऐसा मामला हुआ है कि एक व्यक्ति यहाँ से मिसिंग हुआ है परवनी से। और ऐसे देखा जाए तो परवनी शहर से कई मिसिंग के वाकये हादसे हो रहे हैं। यहाँ के 3 से 4 बच्चे आज कोतवाली पुलिस थाना, मोड़ा पुलिस स्टेशन, नानलपेट में मिसिंग के केसेस आज जुड़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए लोग तंग आकर, जो आज लॉकडाउन खुला हुआ है, पहले ही कारोबार से तंग है, और वो कारोबार से तंग होने के बाद जो कर्ज लिया हुआ है, या कर्ज या फिर घर परिवार के टेंशन से, इससे जो तो लोग अपने खुद को जीवन समाप्त करने के पीछे पड़े हुए, या फिर शहर छोड़ के खामोशी से निकल जाने के दौर पे है। ऐसे दरमियान उनके परिवार परेशान हो रहा है कि वो कहाँ है, कहाँ किस स्थिति में है, इसे ढूंढने के लिए कुछ लोग यहाँ के बस स्टैंड पर यह देखने को आ रहे हैं कि भाई हमारा परिवार का जो व्यक्ति है, शायद वो बस स्टैंड से बस से बैठ कर गया होगा, तो उसे सीसीटीवी कैमरे में देखकर वो कौन से गांव से, कौन से रूट पर गया है, वो मिल जाए, इस कोशिश में लगे हुए। और यहाँ पर परवनी के बस स्टैंड पर 8 कैमरे लगे हुए, लेकिन ये सिर्फ नाम निर्देशक को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का जो आज ये 2 से 3 महीने से हमारे पवार साहब का बोलना है कि यहाँ पर दो महीने से ये कैमरे के जो चौकसी विभाग के जो नियंत्रक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है पाटिल साहब, यही उनके हाथ में नियोजन है, और उनके जो तो इस पर कोड लगा हुआ है, वो कोड से ही जो तो ये सीसीटीवी कैमरे का जो तो मशीन खुलती है। लेकिन ये बात मामला ये है कि जो लोग मिसिंग हुए वो इस गाड़ी से गए हुए हैं क्या, ये सब में बड़ा प्रश्न निर्माण हुआ है। इसलिए पुलिस यंत्रणा पे जो दबाव यंत्रणा आ रही है, तनाव जो बढ़ रहा है, अगर से बस से जाते हैं तो अगर से बस में किस बस में बैठ के गए, ये अगर से पता चला तो वो व्यक्ति आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए ये सीसीटीवी कैमरे के ऊपर एक व्यक्ति 24 घंटे तैनात रहे, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो दिखाई देती है पुलिस चौकी, ये पुलिस चौकी को भी ऐसे समय पर जो तो यहाँ ताला लगा हुआ है, और इस बस स्टैंड से कई मरतबा जो तो गहने चोरी होने के, रुपये चोरी होने की जो वारदात हो रहे हैं, और ये वारदात को जिम्मेदार कौन, पुलिस प्रशासन की चौकी या फिर यहाँ के सीसीटीवी कैमरे जो बंद है वो? ये समस्या को हम जानने के लिए हमारे इस न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना। पहले साहब होते थे बिहारी बदली, अच्छा, पोलीस नहीं चलवण्यासाठी साहेब असतात त्यावर बदलले, आणि काही घातपात झाला इथं, काही बॅग ठेवली, काही घातपाताची याची ते तिथे, तर जिम्मेदार कोण राहणार? काय आता काय करणार सध्या? हो बाबा, काय सगळ्याचे जीव वाऱ्यावरच का? परवनी जिले में लगातार जो बारिश हो रही है, उसके कारण जो बाढ़ का माहौल हुआ है, इसको हमने पहले ही प्रकाशित किया था 14 जून के रोज़।
बाबर कॉलोनी, क्रांति नगर, उसी के साथ साथ धार रोड इलाके, वांगी रोड जगहों पर, इन जगहों पर बाढ़ के कारण कई घरें डूब चुकी है। इसमें पशुओं की हानि हुई है, उसी के साथ साथ सामान के भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसको लेकर हमने प्रशासन को यह अवगत कराया था और उन लोगों से यहाँ तक हमने उनकी मुलाकात में कुछ लेडीज़ ने ऐसा कहा था कि हमें बार बार खाली तमाशे की तरह आकर देखे, हमारे तमाशे को ना देखे बल्कि हमें आर्थिक मदद करे, हमारी कुछ ज़रूरतों को पूरा करे। और आ रहे हैं और खाली हमको देख रहे, ये देख के जाना नहीं, हमारी जो भी मदद है, हमारी जो भी नुकसान हुई, हम गरीब लोग आए। इस बात को प्रशासन ने सुना और सुनने के बाद यहाँ के कर्तव्य अध्यक्ष जिला अधिकारी दीपक मुगुलकर के इनके आदेश पर और उसी तरह महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने प्रशासन को आदेश जारी किया और उसमें प्रशासन ने यहाँ के तहसीलदार संजय बिराजदार, इन्होंने आज यहाँ के नागरिकों को जिनका नुकसान हुआ है उन नुकसान वालों को हर एक घर को 5,000 रुपये की तरह मुआवजा आज चेक के तौर पर दिया है। इससे हम जिला प्रशासन के हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी हमें यह अवगत कराए कि जिन लोगों के घर कच्चे हैं वो अपने सतर्कता के लिए कई दूसरी और जो प्रशासन ने बताया है, जो नोटिस आपको जारी हुई है उसको बताते हुए आपका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान ये प्रशासन के उन अधिकारी कर्मचारी जो आएंगे उनको बताकर अपना मुआवजा ले और उसी के साथ साथ जो प्रशासन जो गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पर जो हालात बिगड़ रहे हैं, जो घर कच्चे मिट्टी के हैं वो टूटने के कगार पर है, वो लोग अपने घरों से निकलकर दूसरे जगहों पर स्थानांतरित हो। लेकिन हम आप जिला अधिकारी और हमारे यहाँ के महानगर पालिका आयुक्त को हम एक अपील करना चाहते हैं, उन लोगों को रखेंगे कहाँ? सवाल ये उठता है कि उन लोगों के लिए आपने जो मंगल कार्यालय बनाया हुआ है, एक फैमिली है, जो फैमिली को फैमिली जुड़कर रहेंगी तो वहाँ माहौल किस तरह दिखाई देगा? इसके लिए जिस तरह नगर निगम में जिस तरह प्रशासन मनाता है कि भाई उनके लिए जो फाइबर के जो घरें रहती है उसका जैसा नियोजन किया जाए, ऐसी कुछ लोगों का मांग है। लेकिन आज जो उनके दिलासा के तौर पर जो चेक मिले हैं वो एक अपने आप को खुशी मना रहे हैं कि भाई आज उनके कुछ ना कुछ हालात सुधरेंगे और उस घर के मुआवजा जो मिला है उस बात को लेकर जिन लोगों को कारोबार जो छूट गए हैं उनके लेकर कामगार अधिकारी कार्यालय से भी कुछ मुआवजा मिले उन कामगारों को, ऐसी मांग भी की जा रही है। प्रभाग क्रमांक 4 में बिजली वितरण संबंधित समस्या छुड़वाने की मांग। सेतु शहर के प्रभाग क्रमांक 4 में राजीव गांधी नगर, अजिंठा कॉलोनी, समर्थ नगर के अलावा अन्य इलाकों में बिजली से जुड़े अनेक समस्या रहते हुए उन्हें छुड़वाने की मांग इस प्रभाग के नगर सेविका के पति और सामाजिक न्याय और विकास संघ के निमंत्रक शेख अयूब अमीनुद्दीन, इन्होंने निवेदन द्वारा सेलू विभागीय बिजली वितरण कंपनी के सहायक अभियंता को की है, जिसमें कहा है कि इस इलाके में 8 DPR रहते हैं जिसमें कम ज्यादा प्रमाण में बिजली होने के कारण कई घरों के लाइट, टीवी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो रही है। बिजली के दबाव से घर में के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, नागरिकों को बिला वजह इसका नुकसान सहना पड़ रहा है। दिए हुए निवेदन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें वरना ऑफिस के सामने आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया है। निवेदन पर शेख अयूब अमीनुद्दीन इनके हस्ताक्षर मौजूद है। लगातार बारिश के में जो हालत बिगड़ रही है उसी तरह प्रशासन का भी हालत बिगड़ती दिखाई देती है। इसका नमूना है, इसका एक उदाहरण है ताड़कलस की बिल्डिंग, जो ताड़कल की ग्राम स्वास्थ्य विभाग है वो कार्यालय पूरी तरह से शत प्रतिशत जो तो यानी कि टूटने के कगार पर है, गिरने के कगार पर है। इसे प्रशासन जल्द से जल्द बनाए, ऐसी मांग यहाँ के नागरिकों ने की थी। उसके तहत यहाँ के पूर्णा के तहसीलदार, इन्होंने आकर वहाँ पर मुलाकात ली, मुलाकात लेकर उसका जायज़ा लेकर निरीक्षण किया। निरीक्षण पर यह पता चलता है कि वो बिल्डिंग जल्दी से जमींदोज की जाएगी और नई स्वस्थ इमारत वहाँ पर बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव जल्द ही यहाँ के लोग मंजूर करा कर लेंगे, ऐसा तहसीलदार के द्वारा जो आने वाली नोटिस है इसमें से पता चलता है। तर त्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचं, ही जी बिल्डिंग आहे किती वर्ष जुनी आहे आणि इथे काही सोयीसुविधा लागत आहेत का? मागील कोविड काळात ताडकळस PSCने खूप चांगलं काम केलं, आता सध्या कोविड कमी झाल्यामुळे आपल्याला सध्या वेळ आहे की नवीन बिल्डिंग किंवा जे काही सोयीसुविधा लागत आहेत नवीन, तर ते आपल्याला एक रिपोर्ट तयार करायचा आहे। तर त्या रिपोर्टसाठी तहसीलदार, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे डेप्युटी इंजिनियर यांची 3 लोकांची कमिटी माननीय उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड सुधीर पाटील सरांनी तयार केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आज आम्ही पाहणी करण्यासाठी ही कमिटी इथं आलेली आहे। अच्छा मॅडम, हे असं सांगण्यात जाते की ही इमारत 40 वर्षांहून बी अधिक वर्ष झाले आणि काही अनुसूचित प्रकार घडल्या बी जबाबदार कोण राहणार आहे आणि आतापर्यंत लोकप्रतिनिधीचं इथं दुर्लक्ष असं वाटतं, तर शासनाकडून काही लवकर याची मदत होऊन हे बांधकाम होऊ शकते? हो, आता हाच जी तातडीने आमची भेट झाली ती ह्याच साठी आहे की इमारत खूप वर्षापूर्वीची आहे आणि उद्या कुणाच्या जीवितास किंवा कोणती हानी होऊ नये म्हणून आम्ही तात्काळ हा रिपोर्ट माननीय जिल्हाधिकारी सरांना आणि आपले माननीय लोकप्रतिनिधी जे आहेत त्यांनाही आपण सादर करणार आहोत।
आणि थोडासा पाठपुरावा करून लवकरात लवकर कशी नवीन बिल्डिंग घेता येईल किंवा लोकांना सोयीसुविधा लवकर कशा मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार. ॲम्ब्युलन्सचा बी मॅडम मुद्दा म्हणला आहे, ॲम्ब्युलन्स बी तर खूप जुनी झाली आहे आणि ॲम्ब्युलन्ससाठी पण आपल्याला नवीन ॲम्ब्युलन्स पण येणार आहेत, तर ती आल्यानंतरही हा आपला प्रॉब्लेम सॉल्व होईल. आपण तारकसो परिसरातील जनता, मी सर्व पूर्ण तालुक्यातील रहिवासी आणि नागरिकांना एक आवाहन करू इच्छिते की पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात आपल्याकडनं ज्या चुका झालेल्या आहेत तर त्या आपण तिसऱ्या टप्प्यात टाळायला पाहिजे. प्रत्येकाने मास्क घातलं पाहिजे, सॅनिटायझर वापरलं पाहिजे आणि आज आपण प्रत्येकालाच माहीत आहे की लहान मुलं जी आहेत तर ते जास्त प्रमाणात आपल्याला त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना आपल्याला समजून सांगितलं पाहिजे की काय सध्या आपण कंडिशन आहे आणि कशी काळजी घ्यावी. तर प्रत्येकाला एवढंच आवाहन करेल की मास्क वापरा, सॅनिटायझर लावा आणि जास्तीत जास्त आपण सोशल डिस्टन्स ठेवून, सध्या जरी कमी झालेलं असलं तरी प्रत्येकाने हलगर्जीपणा करून चालणार नाही, प्रत्येकाने आपापल्या परीनं ही लाट कशी थोपवता येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. धारकों को रुके हुए हफ्ते दिए जाने को लेकर विधायक रत्नाकर गुट्टे मित्रमंडल के शहर अध्यक्ष इनके नेतृत्व में तारीख 16 जून 2021 बुधवार के रोज गंगाखेड़ तहसील के तहसील कार्यालय के सामने अमरण अनशन किया गया. दरमियान नगर पालिका के अधिकारी देसाई शेख अफजल इन्होंने मुख्य अधिकारी नगर परिषद गंगाखेड़ इनके आदेश पर अनशन कार्यकर्ताओं को लिख कर देते हुए 2 महीने में निपटारा करने का आश्वासन दिया है, जिस पर अनशन पर बैठे सामाजिक नेता सलीम भाई पेंटर, विधायक रत्नाकर गुट्टे मित्रमंडल के शहर अध्यक्ष खालिद और अन्य अनशनकर्ताओं ने अनशन पीछे ले लिया है. आज आम्हाला लेखीमध्ये देण्यात आलेला आहे की येणाऱ्या 2 महिन्याच्या कालावधीत तुम्हाला राहिलेले हफ्ते देऊ, तरी नगरपालिकेला आम्ही यांचा मान ठेवून, आम्ही नगर परिषद सीओ साहेब आणि शेख साहेब देसाई साहेब यांचा मान ठेवून आम्ही आमचा उपोषण 2 महिन्यासाठी मागो घेत आहोत. तरी आमच्या 2 महिन्यात आमचा पुढचा हप्ता भेटला नाही, ते आम्ही पुन्हा असंच आंदोलन सतत चालू ठेवू. धन्यवाद. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.